गाइस, मेरा नाम निखिल है और मेरा वाला हस्की में आपका पहले स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरा पूरा दिन एक साइबेरियन डॉग के साथ बीतता है, जो साइबेरियन हस्की है उसके साथ कैसे बीतता है। अभी अभी मैं उठा हूँ, जस्ट अभी 12 बजने वाले हैं, कुछ ही मिनट रह गए हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपना पूरा दिन एक साइबेरियन हस्की के साथ पास करता हूँ। तो ये भी देखो, नीचे भी सो रहा है, इसमें नीचे ही सो रहा है। ये देखो, ऐसे कूलर के पास, ये जो ये कूलर है, ये कूलर है, कूलर के साइड में सोता रहता है। फिलहाल तो अभी कूलर बंद है और ये उसके पास ही सोता रहता है। ये देखो, ये क्या सो रहा है, जगता ही नहीं है। मतलब आप कितना भी कुछ कर लो, अभी सुबह सुबह जग गया था, सुबह करीब 6 बजे जग जाता है ये और फिर सोता ही रहता है। देखो, चलो इसको सोने देते हैं, इसको इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो आज का पूरा दिन इसके साथ मेरा कैसा होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि भाई बहुत मज़ेदार चीज़ें होती है पूरे पूरे दिन। तो एंड तक देखो भाई। 1:30 हो गए हैं और आपको ये वाइपर दिख रहा होगा। अभी अभी रोमन उठ के बैठा है बाहर, थोड़ा घूम रहा है वो। तो उसके कान में दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि ये वाइपर मेरे हाथ में क्यों है। तो चलो मेरे साथ। ये मतलब ये साइबर जो साइबेरियन हस्की जो डॉग्स होते हैं, इनको जो सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसका मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। ये देखो, ये पूरी से टॉयलेट कर रखी है यहाँ पर। इसको कितनी बार समझाया है कि बाहर जाके टॉयलेट करे, मगर ये फिर भी इधर ही करता है। अब मुझे ये साफ़ करना पड़ेगा। वाइपर ला के रखा है मैंने, और ये वाइपर जो आपको ये दिख रहा है ना वाइपर, ये इसमें कितने छेद कर रखे हैं आप, अगर आपको दिख रहा हो इतने छेद कर रखे हैं इस वाइपर में। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू वाइपर था और इसने इसकी ऐसी हालत कर दी है। और ये देखो यार, और इसके ऊपर ढक्कन भी था एक, उस ढक्कन को भी इसने, आप सोचिए समझ सकते हो कि इसने क्या किया होगा। तो अभी मैं साफ़ करता हूँ यार, बहुत काम बढ़ाता है रोमन, बहुत काम। इसको इतनी बार सिखाया है कि बाहर जाके टॉयलेट करे, मगर फिर भी ये अंदर ही करता है। अब चलो मैं साफ़ करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैंने ये बाउल में पानी ले लिया है। अभी मैं इसमें ग्लूकॉन डी थोड़ा सा डालूंगा, मैं ज़्यादा नहीं डालना है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए कि जितना पानी है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा मिक्स कर दूंगा। थोड़ा और डाल देता हूँ। चलो, तो हमारा ग्लूकॉन डी वाला पानी तैयार हो गया है और अभी हम रोमन को पिलाते हैं। तो चलते हैं। चलो, तो उसने ये चीज़ दिखानी थी जो मैं आपको दिखाने वाला था। उसने बहुत जल्दी झपट्टा मार लिया अपने ग्लूकॉन डी में। चलो पी ले भाई, अभी नींद में है ये, तो इसको अभी कुछ, बस ये नींद में पी रहा है ये समझो आप, लेट के पिएगा। ये देखो, ये किस तरीके से पीता है, ये रोज इसी तरीके से ये अपना ग्लूकॉन डी पीता है। तो बहुत ही पसंद है ग्लूकॉन डी। अभी थोड़ी देर बाद इसको हम लोग इसका जो खाना होता है वो भी देंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि हम खाने में ऐसी क्या क्या चीज़ें देते हैं जो कि एक डॉग के लिए अच्छी होती है। अगर आप एक डॉग ओन करना चाहते हो तो ये बता दूं कि जब वो पप्पी रहता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी इसके लिए, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। और एक साइबेरियन हस्की को घर में रखना भाई, क्योंकि ये अपने उसमें मस्त रहते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो लीडरशिप क्वालिटी इनकी बाहर आती है। तो ये एक अपना डोमिनेशन दिखाते हैं।
ये ना ये मेरी बात सुनता है ना ही किसी की बात सुनता है, अपने उसमें मस्त रहता है। देखो ये ग्लूकोन डी पिए जा रहा है। तो उसको ग्लूकोन डी पीने देते हैं और हम लोग चलते हैं यार। ये सोएगा फिर ग्लूकोन डी पिएगा, सोएगा ग्लूकोन डी पिएगा। चलो चलते हैं फिर यहाँ से। हे गाइस, तो हमने अभी रोमन को खाना दे दिया है। रोमन बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है क्योंकि वो अलसे आ गया है। हाँ, उसको आलस आ गया है क्योंकि बहुत ही हैवी फूड हमने उसको दिया है। तो मैं शूट तो नहीं कर पाया कि हमने उसको खाना किस तरीके से मिक्स करके दिया अलग अलग प्रोपोर्शंस में, मगर मैं इसकी एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि किस तरीके से हम उसको खाना देते हैं। और अभी तो रोमन बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है यार। अभी मैंने जस्ट अभी कूलर बंद किया है तो अभी वो मुझे देख भी रहा है, तो मैं उसको देखना ही चाहता क्योंकि अगर मैंने उसको देखा तो वो मेरे पास आ जाएगा। तो उसको सोने देते हैं, उसको देखते ही नहीं है पहली बात, उसको इग्नोर करूँगा अभी मैं, मेरे पास आ ना जाए वो। तो कूलर थोड़ी देर बंद किया मैंने आपसे बात करने के लिए। तो अभी शाम को आपको उसकी मस्तियाँ दिखाऊँगा मैं, उसकी मस्तियाँ यार सही में शाम को, क्योंकि शाम को ठंडक हो जाती है उसमें वो बहुत ही मस्ती करता है। आज आपको मैं शाम को मस्ती उसको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ उसके उसको हमें रोज़ उसके जो क्या ये दवाइयां हैं जो उसकी विटामिन वगैरह की जो सिरप्स हैं उसको देनी पड़ती हैं, और उसकी भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से मैं उसको सिरप्स देता हूँ, उसकी जो दवाइयां हैं वो उसको किस तरीके से मैं पिलाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही नखरे दिखाता है जब उसको दवाइयाँ पिलाते हैं। तो इसकी वीडियो में मैं अलग से बताऊँगा। एक तो यार शाम को मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रोमन मस्ती करता है। तो बस वीडियो में बने रहो, एंड तक वीडियो को देखना क्योंकि यार बहुत ही गजब की वीडियो बन रही है। सुबह मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से उसने मस्ती की थी, उसका अड्डा दिखाया था मैंने, आप ग्लूकोज पीता है वो दिखाया। और भाई शाम को वेट करो थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा अभी थोड़ा काम है मुझे, तो अभी काम करके फिर मैं वीडियो शूट करता हूँ। क्योंकि शाम को करीब 6:30 बजे वो जग जाता है, और तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी वो मस्ती करता है।